दर्शन के बिना माता जी के दर्शन भी अधूरे ही माने जाते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम आ गए हैं तारी देवी टेम्पल। ये तारी देवी टेम्पल है। संगीता, इसके बारे में क्या बता रहे थे तुम? ये देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग के बीच में है। ये अलकनंदा के किनारे पे ये बसा हुआ है मंदिर। और यहाँ पे एक्चुअली में बात ये है कि तारी देवी जो माता जी है उनकी आधी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और जो बाकी की जो आधी मूर्ति है वो काली मठ में स्थापित है। तो वहाँ पे काली देवी के नाम से वहाँ पूजा होती है। यहाँ पे ये भी बड़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऋषिकेश में जैसे झूला है राम झूला या लक्ष्मण झूला, वैसे यहाँ पर भी ये झूला है। ब्रिज बना हुआ है और मंदिर भी खुद पानी के बीच में है। सो अभी चलते हैं हम उस साइड। अभी उठो, हम सरप्राइज वाली जगह पे चल रहे हैं। उठ गए आप? चले तो जल्दी जल्दी खोल ना। फाइनली यहाँ से ब्रिज के अंदर अंदर तारी देवी टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है अभी वैसे भी, पर दिन का टाइम है तो वैसे भी अभी लोग तो कम ही है। सो आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो यहाँ पहली बार निकल ही रहे थे। निकलते निकलते देवप्रयाग से आते हुए हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ जाना चाहिए। लाइन कहाँ से शुरू हो रही है ये पता नहीं चल रहा है ना। पूरी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, उस साइड से दर्शन होते हैं ना। ये अभी के भी पैर दुखने लगे हैं और एक्चुअली में गर्म भी बहुत ज़्यादा है, नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लाइन इतनी लंबी है कि मतलब मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि लाइन शुरू कहाँ से हो रही है। तो अभी अभी क्या हुआ उधर देख के बताइए आप। अच्छा, ये अभी बता रहा था कि थोड़े दिन बाद तो अभी खुद गाड़ी में रहने लग जाएगा। अभी गाड़ी में रहेगा ना, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो एसी चला के गाड़ी को ठंडी कर देता ना वहाँ बैठी बैठी। सो आई थिंक हमें लग रहा है कि लगभग हमें एक घंटा वो लग जाएगा ना यहाँ पे। सो पर एक चीज़ है, यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा लगा कि ऋषिकेश के अंदर जो राम झूले के ऊपर लोग इतनी बड़ा भीड़ में जो घूम रहे हैं उन्हें यह आना चाहिए। लाइन वास्तव में बहुत ज़्यादा लंबी है, आप देख ही सकते हैं। सब लोग बाग नज़र आ रहे हैं, पर ठीक है, सिस्टम है। और ये लकड़ी की जो कलाकृति है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। पहाड़ों की लकड़ी और पहाड़ी मंदिर बहुत ही गजब लग रहा है। अभी मिक्की इधर जा। काफ़ी लंबी लाइन के बाद हम लोग आ ही गए हैं मंदिर के अंदर। सिस्टमैटिक लोग लाइन से चल रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं है बिल्कुल भी। घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ नज़र आ रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इन घंटियों को देखकर। दर्शन हो गए हमारे और अंदर तो हम शूट नहीं कर पाए, अब हम बाहर निकल चुके हैं। ये लाइन लग रही है दूध के लिए, अब सब जन मतलब दूध लेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। अब ये निकासी गेट है जहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं सज्जन, और बड़ा अच्छा लगा हमें दर्शन करके। इस गेट पे आप देख सकते हैं पूरे गेट को मंत्री मंत्र देखते हैं। मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे माता जी का। मतलब अपने इधर राजस्थान में ऐसा नहीं होता है वैसे, स्ट्रक्चर वगैरह पूरा पहाड़ी है, लकड़ी जैसा उड़न का है जैसा पहाड़ी एरिया में, मतलब वैसे ही है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके। अब हम आपको वैसे ही झूला दिखाएंगे जैसे ऋषिकेश वगैरह में आपको देखने को मिलता है, लक्ष्मण झूला राम झूला जैसे ही है। आई थिंक मेरे को भी अलग होगा ये थोड़ा सा। चलो चलो, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी मेरे, क्योंकि छोटे टाउन में और अच्छी जगह भी है, पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। सो थैंक यू वेरी मच, अभी हम चलते हैं उस साइड। ये क्या कर रहा है, झूले झूलने लग गया। अभी ने खुद ने सैंडल पहन लिए हैं।
अच्छा मंदिर पे गया और अभी के ताकत आई और अभी के खुद चैनल पे ना सीख गया है ना, है ना अभी खुद खुद नहीं पहन रही है। झूला आ गया है और अब हम झूले पे चलते हैं, तो अब झूले की ओर बढ़ते हैं। हम थोड़े थक चुके हैं तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं पर रुकेंगे। ये मंदाकिनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। एक्चुअली मैं जो यहाँ के गांव है लोगों की मतलब सुविधा के लिए इधर से उधर आने जाने के लिए हिसाब से ये ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ से मतलब कि माँ तारी देवी का मंदिर भी एकदम स्ट्रेट और अच्छा नजर आ रहा है। ऊपर बनाया गया है ये मंदिर। और मेरा तो मानना ये है कि जैसा अपने को वहाँ पे ऋषिकेश के अंदर जो अपन वो झूला वूला देखने जाते हैं ना, वैसे झूले तो यहाँ खूब है और यहाँ पे भी आना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी जगह है, इतनी भीड़ नहीं है, थोड़ा छोटे टाउन पे है तो उतने लोग नज़र नहीं आते हैं, फिर भी बड़ी अच्छी जगह है ये। हम लोगों को तो हम जिस होटल में रुके थे उस होटल वाले ने हमसे बोला था कि आप जा रहे हैं तो धारी देवी होते हुए जाना, इसीलिए वरना हम इधर नहीं आ पाते। सो फ्रेंड्स बड़ी अच्छी जगह है, मैं आपको बताता हूँ। चारों तरफ देखिए व्यू, उधर उस साइड एक गांव भी है। और अब मतलब कि हमारा ये प्लान है कि हम लोग मतलब कि अब यहाँ से तो हो गए फ्री, अब हम चलते हैं। क्यों वहाँ घोड़े में बैठ के चलेंगे कि कैसे चलेंगे? अघोरनाथ भैरव के भी दर्शन कर लेते हैं हम लोग। बाबा भैरव के दर्शन हम कर रहे हैं और फाइनली हमारे दर्शन यहाँ पर हो चुके हैं। अघोरनाथ बाबा के दर्शन कर लिए, सभी और दोनों ने दर्शन कर लिए भैरवनाथ के, मैंने भी कर लिए हैं। चलें अब हम तारी देवी के दर्शन करके आ गए हैं, झूला भी घूम के आ गए हैं। तो आज हम लोग मतलब चढ़ा और उतरने के बाद हम इतना थक चुके हैं कि यहाँ हम एक जगह रेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली अभी हम यहाँ से अब निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। और फिलहाल अभी सब कुछ घूम चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब हम कुछ और घूम पाएंगे आज, क्योंकि ये जितनी चढ़ाई थी और उतरने के बाद हम फुल प्रूफ से थक चुके हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।